हाय, मैं हूँ आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी मसाला। टीवी मसाला में हम एक खास मुलाकात करते हैं किसी एक खास मेहमान के साथ, और आज वो खास मेहमान जो है वो अपना सेट छोड़ के काफ़ी दूर हैं फिल्म सिटी में। रफीक, ये बताइए कि कितना इन्जॉय करें अपने सेट से दूर शूट करना। सेट देखिए क्या होता है, सेट में एक आप कोई भी चीज़ रूटीन में करते हैं तो धीरे धीरे आप थोड़ा से बोर होने लगते हैं या एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, तो थोड़ा आपको चाहिए कुछ नया स्पाइसी। तो जैसे जैसे बीच में हमको जो इंटरवल्स मिलते हैं, हम बाहर शूट करते हैं या किसी और सेट पे शूट करते हैं, तो काफ़ी रिफ्रेशमेंट हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि कोई हम नई चीज़ कर रहे हैं। तो आज फिल्म सिटी का सेट था, मंदिर का सीन है। लोकेशन जो है बड़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, पीछे पवई झील दिखती है, यहाँ से एक साइड पहाड़ है, उस तरफ नेशनल पार्क है। तो ये कितना एंजॉय करें इस लोकेशन को? ये काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, बट मैं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय जब करूँगा जहाँ मैंने इस चीज़ की सुनी है कि चीते घूमते हैं शाम में। अभी तक किसी एक बिरादरी वाले से भेंट नहीं हुई है तो मिले तो मज़ा। तेंदुए आते हैं, तेंदुए हाँ। वहाँ पानी पीने तक आते हैं गर्मी के टाइम में, पीछे झील में पानी पीने आते हैं तेंदुए। बट सुना ही है मैंने, आज तक कभी देखा नहीं है। वैसे देखा है अपने भाई बंधुओं को, जूम में ही देखा है, मैं भी अभी एक जूम में बंधु हूँ। अच्छा, शो में किस तरह का क्या काम चल रहा है अभी? शो जो आप खुद कर रहे हैं, कितना सेटिस्फेक्शन है खुद को? मैं तो मानता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, और मैं आई होप सो कि लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और मुझे जो एक्सपोजर है मुझे काफ़ी मिल रहा है, और परफॉर्मेंस भी मेरे को काफ़ी करने को मिल रही है। जैसे हर सीरियल में आप देखते हैं कि बहुत एक कैरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट उन्होंने मुझसे फाइट सीक्वेंस भी कराए हैं, फिर डांस सीक्वेंस भी हुआ है, अभी सिंगल डांस सीक्वेंस भी आने वाला है मेरा। फिर आप देख सकते हैं मेरा पूरा अटायर चेंज हो गया है, शर्ट है एकदम नॉर्मल, जीन्स है, कोल्हापुरी है, एंड पूरे पैर गंदे हो रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं, मंदिर का सीक्वेंस है, तो काफ़ी मतलब कैरेक्टर खुल गया है। ये पहले बहुत बाउंडेड था, अच्छे कपड़े पहनना, तहजीब, और वो अभी लोगों से घुल मिल गया है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उसका चीज़ों को लेकर, चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहा है। जैसे ये मंदिर का बनाना क्या पूरा है, तो आर्किटेक्ट है राजवीर, तो पूरा उसने डिज़ाइन किया है और प्लान किया है कि कैसे करना है, तो काफ़ी अच्छा है। तो आज का सीक्वेंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप खुद बना रहे हैं मंदिर? हाँ। तो ये क्या चक्कर है, मतलब मजदूर नहीं मिले या क्यों, खुद क्यों बनाना है? मजदूर का तो ऐसा कुछ नहीं था, ये था इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारी प्रॉब्लम है तो हम ही सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा चलिए ठीक है, एक आखिरी मौका देख लेते हैं, मंदिर टूटने से पहले रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने एक पूरा बकायदा प्लान बनाया, और इन सब डी ब्लॉक वासियों की हेल्प भी मिल रही है। पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हैं शो में भी और रियल लाइफ में भी, जो फैमिली आपकी पॉलिटिक्स से काफ़ी इन्वॉल्व रहती है, कितना फॉलो करते हैं? इलेक्शन का टाइम बहुत करीब आ रहा है, तो कभी फॉलो करते, कुछ एक्साइटेड लगता है कुछ ये सब देख के? जी देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना एक अलग चीज़ है, और एक पॉलिटिकल व्यू रखना बहुत अलग चीज़ है। मैं कभी इतना उस चीज़ में नहीं था, हमेशा से मुझे ये था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और इस टाइप की चीज़ थी। ये भी ये था कि मुझे इंजरी हो गई थी, इस वजह से इधर मुझे एक्सपोजर टाइम मिल गया ढूंढने का, कि अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ इसमें, तो काफ़ी डेस्टिनी ने भी हेल्प कर दी, तो मैं इधर लाइन में आगे बढ़ गया। तो अभी वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में भी इतना सोचता नहीं हूँ कि कौन क्या कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है। बस हाँ, अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ, जाके वोट देता हूँ, जो मेरी फैमिली जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, मैं जाता हूँ और अपना वोट दे के आता हूँ। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक आर्टिस्ट और एक, क्योंकि आप 10 लोग आपको देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, आपका एक रिव्यू होता है, तो एक रिव्यू क्या होता है, किस तरह का पीएम होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए जो आपके हिसाब से होनी चाहिए देश के लिए, अच्छाई होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरी एक जितनी भी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, मेरे जो मैं चीज़ें चाहता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोगों के राइट है हम खुद उस पे स्टैंड लें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको चेंज लाना है तो पीएम और इन सब चीज़ों पे हम एक्सपेक्ट नहीं करें, हम खुद में चेंज लाएँ। जब हम खुद में चेंज लाएँगे तो हमको अपने आप दुनिया चेंज लगने लगी, क्योंकि हम खुद ही हम देखते हैं कि इतने लेवल में हम लोग नहीं जाते हैं, ना हम लोग वोट डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप सबसे ज़्यादा जो मुझे
प्रॉब्लम होती है अगर किसी चीज़ से, तो वो है कि यहाँ पे लड़कियों को उतनी फ्रीडम नहीं है. आप देख रहे हैं हर कहीं रेप केस है, जिसके वजह से फैमिली लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो अपने पढ़ाई लिखाई से पीछे हट रही हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ की मैं आज देख रहा हूँ, आज के लीग में लड़कियाँ बराबर का कंपटीशन दे रही हैं लड़कों को. बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी अपने राइट के लिए अगर लड़ेगा तो मेरे ख्याल से कोई भी उसको चीज़ ऐसी नहीं है कि दबा पाए, क्योंकि PM हो या कोई भी, उसको भी जनता का सपोर्ट चाहिए PM बनने के लिए. तो हम जनता ही अगर अपने अंदर सुधार लाएगी और ये ब्राइब और बहुत सारी चीज़ों से बचेगी तो हम लोग काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात कही आपने. लास्टली ये कि चलते चलते क्या देखने मिलेगा हमें और शो में तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, क्योंकि राजवीर का कैरेक्टर एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है, थोड़ा काफ़ी चेंजेस आ गए, एकदम बोल्ड हो गया है. तो मेरे ख्याल से फ़नी सीन्स भी आए हैं राजवीर की तरफ से, काफ़ी फ़नी मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं. तो मेरे ख्याल से आई होप पब्लिक को पसंद आएगा. चलिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ आदित्य शर्मा, मुंबई.